अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अलकरमीन अजमाईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान अजमाईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز سامعین کرام شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اللہ تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام میں شامل فرمایا اور اسلام کی دولت سے فیض یاب فرمایا और साथ ही साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और इसके अलावा इस शहर हैदराबाद दक्कन में अल्लाह ताला ने हमें क़याम पज़ीर होने की अल्लाह ताला ने सआदतों से सरफराज फरमाया। शहर हैदराबाद जो कि अपनी मुनफरिद शान और पहचान रखता है, इसका मुनफरिद मकाम आलम इस्लाम में भी और दुनिया भर में इसका एक मुनफरिद शान और इसका मुनफरिद मकाम और मर्तबा पाया जाता है। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह ताला ने इस हैदराबाद दक्कन को उलमाए किराम, औलिया किराम, सुलहा और फिर जामे निजामिया जैसी अजीम दीनी दरगाह, अजहर हिंद जैसी बेमिसाल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हमें फैजियाब और मुत्तसिल किया। इसका अल्लाह जिसका जितना एहसान किया जाए उतना कम होगा, कम है कि अल्लाह ताला का बेपना एहसान है। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह वाले अहले इल्म कौन होते हैं? इल्म वाले वो होते हैं जो सबसे ज्यादा खशियत इलाही और तखवे के पाबंद होते हैं। यानी आलिम होने की पहचान सबसे बड़ी ये होती है कि वो उतना ज्यादा मुत्तकी होता है, अल्लाह से डरने वाले होते हैं। अगर मौजूद सामईन किराम इसकी अगर हम मिसाल देखें तो वो मिसाल हमें हजरत इमाम सानी इमाम आजम अबू हनीफा फकीरुल इस्लाम और नाबिगे रोजगार हजरत सैयदुना अबुल वफा अल अफगानी कद्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज की ज़ात मुबारका में नजर आती है कि अल्लाह इल्म वाले इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा ही हकीकतन खशियत इलाही पर गामजन रहने वाले और अल्लाह से डरने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म हुआ करते हैं, उलमाए किराम हुआ करते हैं। मौजूद सामईन इकराम, हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमत व रिजवान की जात मुबारका और आपकी शख्सियत अहले दक्कन के लिए और खास तौर पर आलम अरब के लिए कोई नई शख्सियत नहीं है। आपका नामे नामी और इस्म गिरामी सैयद महमूद था। आप हसनी सादात हैं। आपके वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिजवान सैयद मुबारक शाह कादरी अलैहि रहमा, जो सिलसिले कादरिया के बहुत जलीलुल कदर बुजुर्ग रहे हैं, जो कंधार में आपकी विलादत बासादत कंधार अफगानिस्तान में होती है और वहीं पर आपकी इब्तदाई तालीम का आगाज होता है और यौमुल नहर के दिन यानी 10 ज़िलहिज्जतुल हराम 1310 हिजरी में आपकी विलादत बासादत होती है कंधार में। और आपकी इब्तदाई परवरिश और इब्तदाई तालीम आपकी यहीं पर कंधार में होती है, वालिद माजिद के यहाँ दीनी तालीम कुरान करीम की तालीम और तरबियत से आपका आगाज होता है और आप उसकी तकमील फरमाते हैं। फरमाने के बाद आपके वालिद माजिद आपकी 14 साल की उम्र शरीफ में आपके वालिद माजिद दुनिया से कूच फरमाते हैं और दाई अजल को लब्बैक कहते हैं। आप हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमत व रिजवान कंधार से निकलते हुए गुजरात आते हैं और गुजरात में कुछ दिन का आप क़याम फरमाते हैं। वहां पर तहसील इल्म के लिए चंद दीनी मदारिस में दाखिला लेकर के अपनी तालीम जारी रखते हैं और वहां से फिर पलटकर आप रामपुर के मशहूर मदरसे आलिया में तशरीफ ले जाते हैं, दाखिला लेते हैं उलूम अक्लिया नकलिया और खास तौर पर मंतिक और फिका पर आप वहां पर दस्तरस और कमाल हासिल करते हैं।
जब इसी दौरान आपको जब इत्तला मिलती है कि शहर हैदराबाद में जाबे निजामिया जैसी अजीम तालीमी दीनी दर्जगाह है जिसमें जलीलुल कदर उलमाए किराम और खास तौर पर बानी जामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान की जात मुबारका है, तो आप फिर रामपुर से होते हुए शहर हैदराबाद दक्कन तशरीफ लाते हैं और 1330 में 1330 सन हिजरी में आप जामे निजामिया में दाखिला लेते हैं। और उस वक्त हैदराबाद क्या है, कह लें कि आप इब्तदा से ही अगवास अख्ताब औलिया सुलहा मुफस्सिरीन मुहक्किकीन कामिलीन उदबा नुबगा का शहर है, फुजला का मुहद्दिसीन का मस्कन रहा है। आप दाखिले जामिया होते हैं और नामवर उलमाए किराम की निगरानी में अपनी तालीम को जारी रखा करते हैं और बानी जामिया अली रहमत और रिजवान की खिदमत बाबरकत में जानो अदब तय कर करके खूब इस्तेफादा फरमाते हैं। इसके साथ साथ दीगर असातिज़ाए किराम में मुफ्ती रुकनुद्दीन साहब अली रहमत और रिजवान की खिदमत में रहकर फिक्र में कमाल हासिल करते हैं। इब्राहिम अदीब और रदवी अली रहमा की खिदमत में रहकर के आप अरबी अदब पर वो दस्तरस और कमाल हासिल करते हैं कि आज भी अरब हजरात आपकी अरबी दानी और आपकी तालीकात और तहकीकात जो आपने हनफी फिक्र की कुतुब पर अरबी कुतुब पर लिखा है जैसे किताबुल आसार अल मौता वगैरह, वो आज भी अरब हजरात हालांकि है अजमी आलिम दीन अजमी अदीब है मगर उसके बावजूद उन हजरात वो हजरात आपकी इल्मी जलालत का एतराफ किया करते हैं। और हाफिज अय्यूब अलैहि रहमा से हाफिज मौलाना अय्यूब साहब से आपने फारसी जबान और हिफ्ज कुरान और सबा अशरा शेख मोहम्मद यमनी से दीगर उलूम आपने हजरत शेख याकूब अब्दुल समद पंधारी अब्दुल वहाब और दीगर हजरात से हासिल फरमाते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम पूरी जिंदगी का वक्त आपने अपनी तालीम में सर्फ फरमाया है। शेख अबुल फता अबू गुद्दा अलैहि रहमा जो कि अरब दुनिया के बहुत ही नामवर आलिम दीन माने जाते हैं और उनकी जो मुल्क शाम में हनफी आलिम दीन रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब अल उलमा उल उज्जाब यानी बैचलर उलमाए किराम यानी जिन लोगों ने शादी नहीं की जो मुजर्रद रहे हैं जिन लोगों ने इस्लाम की और तबलीग दीन हनीफ की खातिर अपनी मैरिड लाइफ को अपनी इज्दवाजी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाया, अल उलमा उल उज्जाब में अल उज्जाब में अजमुन कहते हैं कि बैचलर को अल उज्जाब यानी जो वो उलमा जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए खर्च किया और जिन्होंने निकाह और शादी वगैरह ना किया, उसमें आपका जिक्र खैर बड़ी ही तफसील के साथ आपने जिक्र फरमाया है। मौजद सामी जाहिद अल कौसरी अलैहिर्रहमान अरब दुनिया के बहुत बड़े नामवर आलिम दीन हैं, वो भी आपको खुतूत लिखा करते थे, खुतूत लिख करके आपसे इन किताबों जिन किताबों पर काम होना है फिकही कितुब पर उसको आप दिया करते। तो इमाम हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहिर्रहमतुर रिजवान और कद्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज ने अरब और अजम के जो सरगर्म उलमाए किराम थे 1370 ईस्वी यानी 1350 से 1370 के दौरान आपने बड़े बड़े उलमाए किराम से राबेता किया और उसके बाद एक इहयाउल उलूम इहयाउल मारिफ अन्नौमानिया की बुनियाद रखी और इसमें जाहिद अल कौसरी अली रहमा अबुल फता अबू गुद्दा अली रहमा डॉक्टर हमीदुल्ला जो बाहर के जो हजरात थे उन हजरात से आपने राबेता किया, काहिरा मिस्र वगैरह शेख रिजवान काहिरा के शेख रिजवान मोहम्मद रिजवान इस इदारे के वकील मुकर्रर किए गए और हजरत अबुल फिदा प्रोफेसर अब्दुल सत्तार खान नक्शबंदी अली रहमा इस मद्दी से इहयाउल मारिफ अन्नौमानिया के मुतमद मुकर्रर किए गए और ये बाहर के हजरात इसके मुआविनीन और मुशीर करार पाए और इन हजरात की जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप हजरात जो अरबी कुतुब यानी फिकह हनफी से रिलेटेड है उन कुतुब के मखतूतात यहां भेजेंगे और हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमत व रिजवान उस पर मुकम्मल काम कर करके उसको छपवाई करेंगे। ऐसी बेहिसाब किताबें हैं जो अरबी कुतुब है जो आज भी हमें नजर आता है अरब दुनिया में पाई जाती है तालीकात के साथ तहकीकात के साथ जो हजरत अबुल वफा अल अफगानी कद्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज ने किया है। मौजद सामईन किराम इसके अलावा अगर आपकी हयात मुबारका के बारे में आप देखेंगे तो हालांकि नाम बड़ा है अहले देवबंद जो है इनको बड़े नाम से यूसुफ बन्नौरी जिनको कहा जाता है मौलाना यूसुफ बन्नौरी देवबंद के हजरात हैं, ये पाकिस्तान के आलिम दीन बनूरिया दारुल उलूम जामे बनूरिया बहुत मशहूर जामिया है पाकिस्तान में, तो ये लोग बड़े नाम से जिक्र करते हैं बड़े एहतमाम से जिक्र करते हैं। अगर उनके मकतूबात और खतूत जो हजरत
अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमत व रिजवान के हवाले से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमाम अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमत व रिजवान की शख्सियत क्या है और आपका मकाम मर्तबा क्या है। यूसुफ बनोरी साहब जो है तफसीलन पंच मसले में आपकी बाज़ाब्ता तौर पर मुकद्दमे के साथ उन्होंने फैसला पंच मसले में तफसील के साथ जिक्र किया। प्रोफेसर सुल्तान मुहीउद्दीन साहब की जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो आप मकाला अगर पढ़ेंगे कि दक्कन के जो उलमाए किराम की जो खिदमात है दीनी खिदमात वगैरह अदबी खिदमात उसमें आपको तफसील के साथ हजरत अबुल वफा अफगानी अली रहमत व रिजवान की हालात और वाकयात मिलेंगे। मकामात अबुल फिदा में आपके कुछ हालात और वाकयात मिलेंगे और इसके अलावा शाहबुल कैर एकेडमी की तरफ से जो पंच मसला किताब हजरत अबुल हसन जैद फारूकी अली रहमत व रिजवान की हीने हयात में छपा था उसमें भी आपकी तफसीली हयात मुबारक पर तफसीलन रोशनी डाली गई। आपका इल्मी मकाम और मर्तबा इस कदर है कि आप कोई एक फैसला के बारे में अगर फरमा देते तो वक्त के हुक्मरानों को भी उस फैसले के आगे अपने सर को झुकाना पड़ता था। आपकी हयात मुबारक से मुतालिक एक मसला एक वाकया मिलता है कि हुआ यह था कि कुछ एक मसले में जो हाकिम वक्त थे निजाम जो हुकूमत के उस्मान अली खान साहब थे उन्होंने कुछ एक मसला एक दे दिया था कि भाई कोई मसले के तहत जो है शिया हजरात के लिए फेवर देते हुए उन्होंने कोई मसला हुक्म सादिर कर दिया। जब हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमा जो जामिया का जलसा हो रहा था उस जलसे में हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमत व रिजवान ने ऐलान कर दिया कि जब कोई हुक्मरान अगर शिया हो जाता है या शियत की तरफ चला जाता है तो उसकी बुनियाद एक खोखली पड़ जाती है और वो फासिख व फाजिर हो जाता है। अगर ऐसा हुक्मरान होता है तो ऐसे हुक्मरान की इत्तेबा करना और उनके कहे हुई बात पर अमल करना ये अहले ममलिकत के लिए जरूरी नहीं होता। लिहाजा आज से हम अपने हुक्म हाकिम निजाम की हम उनकी इमारत से दस्तबरदार हो रहे हैं। आज से हमारे ऊपर जरूरी नहीं है कि हम उनकी बात का कोई फैसले को माने या उसकी इत्तेबा करें। इतना बड़ा फैसला है ये आम आदमी हम आप आजकल के दौर में कोई कॉरपोरेटर के बारे में बोलने के लिए हजार बार सोचते हैं। दक्कन का हाकिम है दक्कन के हुक्मरान है निजाम के बारे में बरमला ओपनली आप ऐलान फरमाते हैं। आपको हालांकि जो वजीफा आया करता वो वजीफा आपने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है वजीफा बंद होता है हो जाए जो मेरे साथ होता है हो जाए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है शरीयत मुताहरा मेरे सामने होनी चाहिए ये मुकद्दम हो तो सब सही है अगर शरीयत में कोई मुदाखिलत होती है तो मेरा रहना ना रहना फिर कोई बात नहीं कोई मेरी बात की अहमियत नहीं रहती। ये है हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। जामिया इंतजामिया में जब इल्म हुसूल इल्म तकमील हुआ तदरीस के शोबे में शेखुल फिक्ह बनाए गए मुफ्ती के आप पोस्ट पर सदर मुफ्ती के तौर पर चूंकि पहले तो यही था जामिया निजामिया का उसलूब के शेखुल फिक्ह ही सदर मुफ्ती हुआ करते। हजरत मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब क़िबला क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के दौरे मुबारक से हम ये तब्दीली देखे वरना उससे कबल जो होता था वो ऐसे ही होता था कि जो शेखुल फिक्ह होते थे जामिया निजामिया के वही सदर मुफ्ती हुआ करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमत व रिज़वान ऐसी जरी शख्सियत किसी से डरते नहीं थे किसी से आपके पास आपके दौलत कदे पर एक दर्स खुसूसियत के साथ दर्स अबुल वफा अल अफगानी रहमा बहुत मशहूर हर इतवार के दिन 3 घंटे होता था 3 घंटे दर्स चलता था मुसलसल दस 11 बजे से लेकर गालिबन जोहर तक मुसलसल दर्स आपके दौलत कदा जलाल कूचे में जहां क़याम पजीर थे वहां पर चला करता था और 3 घंटे जिसमें उलमा जामे निजामिया के उलमा शहर हैदराबाद के मशहूर मशायखीन किराम सभी हजरात उस दर्स में शरीक हुआ करते थे। लोग उस दर्स में शिरकत अपनी सादतमंदी समझा करते थे और ऐसा वो दर्स की मामले में भी हम वालिदे गिरामी अली रहमा से सुना करते वो दर्स में ऐसा होता कि हजरत का मामला ऐसा कि हजरत के बनाए हुए सुन यानी लोग वक्त की पाबंदी होनी है सब आ जाना है सब बैठ जाना है और सामने की सब में सादात किराम को बिठाना है फिर सादात में अगर बच्चे बाबा हजरत फरमाया करते मैं छोटा उम्र में छोटा था बड़े बड़े उलमाए किराम बापी होते वो उनको कहा जाता कि आप पीछे बैठेंगे सादात किराम है तो वो पहली सफ में रहेंगे और मुतशर्रे और कोई मतलब ऊपर का बटन खुला हुआ वगैरह टोपी आ जाए तो फरमाते उस दिन का दर्स नहीं हुआ करता। दर्स में जुजाजतुल मसाबी यानी दर्स तसव्वुफ और दर्स हदीस दो मिलाकर के दिया करते। दर्स हदीस में जुजाजतुल मसाबी हजरत मोहदी सदकन अली रहमतुल्लाह आप देखिए हालांकि देखा गया तो दोनों मुआसिर हैं एक वक्त के उलमा हैं
कई मामलात में हजरत अबुल वफा अफगानी अली रहमा इख्तिलाफ भी फरमाया करते हजरत मुहद्दिस सदकन अली रहमा से, यानी असर की नमाज ताखीर से पढ़ने पर आपका इख्तिलाफ था, आप खुद फरमाते। और नफिल नमाजों की जमात के बारे में भी हजरत अबुल वफा अफगानी अली रहमा का इख्तिलाफ था हजरत मुहद्दिस सदकन अली रहमा। इख्तिलाफ मतलब इल्मी तौर पर इख्तिलाफ, कोई लड़ाई झगड़े आज का हमारा इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ है तो गाली गलोच करना, किसी की शख्सियत पर हमले कर देना। देखिए बाबा हजरत अक्सर फरमाते मियां देखो अगर कोई आदमी आपके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है, कभी हम पूछते कि भाई अब ऐसे मामलात आ जाते हैं कई दिन के काम करते हुए कि कई मरतबा ऐसी दिल टूट जाता है काम करने से, तो फरमाया करते मियां देखो जब कोई आपके ऊपर शख्सी हमला कर रहा है, पर्सनल अटैक हो रहा है, तो समझ जाएं आपके काम का उसके पास जवाब नहीं है। सही, आप जो काम कर रहे हैं ना उस काम का आपके पास उसके पास जवाब नहीं है, तो लिहाजा वो काम का जवाब ना दे सक रहा है, इसीलिए आपकी शख्सियत पर हमले हो रहे हैं। तो मौजूदा समय आज का दौर तो हमारा ऐसा दौर में हम गुजारा कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, पर हजरत मुहद्दिस सदकन से बावजूद कई मसाइल में, चंद मसाइल में इख्तिलाफ है, उसके बावजूद क्या होता? फरमाते कि दर्स हदीस जो होगा हमारे शेख हजरत अबुल वफा अल अफगानी अली रहमा हजरत मुहद्दिस सदकन की किताब ज़ुलालुद्दीन मसाबी का दिया, और तज़किरे मुहद्दिस सदकन में हजरत अबुल फिदा अली रहमतुल्लाह रिजवान ने नकल फरमाया है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें, उसने पीर जो है पीर कामिल पीर अपने मकाम पर अता कर दिया, वरना क्या पता कि कितने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पीर को पाना पड़ता, तो पाने की जरूरत थी। आप फरमाया करते पीर, और हमारे हजरत शेख फरमाया करते, जब भी जिक्र होता हजरत शेख फरमाते हजरत शेख के बारे में ये कहा, हालांकि दुनिया आपका हम लोहा मानती है, सानिए इमाम आजम अबू हनीफा आपका लकब है, फकीहुल इस्लाम है, मगर दरसे हदीस में जो किताब इख्तियार फरमाई ज़ुजाजतुल मसाबी इख्तियार फरमाई। आप देखिए एक तो आपसे ताल्लुक और मोहब्बत, दूसरा ताल्लुक इमाम आजम अबू हनीफा से हनफियत से कितना लगाव है, क्योंकि वो किताब ज़ुजाजतुल मसाबी हनफियत को मजबूत करने वाली है, सपोर्ट करने, लिहाजा ज़ुजाजा का दर्स दिया करते थे। ये है इमाम अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमतुर रिजवान व क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की ज़ात मुबारका, और जिसमें काबिले ज़िक्र जो है हजरत प्रोफेसर अब्दुल सत्तार खान साहब अलैहि रहमा और हजरत अबू बकर अल हाशमी साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, मुफ्ती इब्राहिम तरील अल हाशमी क़द्दसल्लाहु, ये हजरत तो वो थे मुफ्ती इब्राहिम तरील अल हाशमी साहब अलैहि रहमा और हजरत अबू बकर अल हाशमी अलैहि रहमा, जिनको आपने अपने बेटों की तरह पाला, अपने बेटों की तरह घर में रखकर रहे, और रह करके मुफ्ती मखदूम बेग साहब अलैहि रहमतुर रिजवान जो आपके वालिद माजिद है, उनसे इजाजत लेकर के इन हजरात की तरबियत आपके आगोश मुबारक में हुई है। आप अंदाजा लगाइए उनकी तरबियतों का अंदाजा क्या होगा। और हजरत फारूक हाशमी साहब अलैहि रहमा मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ डॉक्टर्स इंजीनियर्स एडवोकेट्स बड़े बड़े कमिश्नर्स दुनियावी लोग भी होते, और साथ ही साथ पूरे उलमाए किराम बड़े बड़े उलमाए किराम मशायख इज़ाम इन इस दर्स की जीनत बनते और इसमें तशरीफ फरमा होते। अच्छा मजलिस इहयाउल मारिफ नौमानिया में जो हजरत और एक हिबा के हजरत रवादार ने किसी के एक पैसे के, इतनी बड़ी बड़ी किताबों की तहकीक को तालीफ हो रही है, दुनिया भर से किताबें छप रही है, कभी बैरूत से छप रही है, कभी मिस्र से छप रही है, रॉयल्टी नहीं, एक पैसा नहीं चाहिए। और हजरत के साथ जितने मुआविनीन थे जो किताब की प्रूफ रीडिंग में तस्सीह में काम में लगे रहते, वो हजरत भी पैसा नहीं लिया करते। उसमें कौन कौन? मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब अलैहि रहमा है, और मुफ्ती हजरत सैयद महमूद अलैहि रहमा है, मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब है, मुफ्ती रहीमुद्दीन, मुफ्ती मखदूम बेग साहब, हकीम मोहम्मद हुसैन साहब, अब्दुल रहमान बिन महफूज साहब, रियाजुद्दीन साहब, डॉक्टर हमीदुल्लाह, ये सारे हजरत थे। ये सारे हजरत इसमें हजरत के साथ शरीके कार रहते, सारे लिल्लाहियत के साथ काम होता, लिल्ला फिल्ला कोई पैसे की तमा नहीं होती। और तकरीबन 17 ऐसी किताबें आप हजरत ने छापी हैं जो दुनिया में तहकीक के बाद आज तक नहीं छपी थी। उन किताबों में किताबुल आसार है इमाम आजम अबू हनीफा की, इमाम हजरत अबू यूसुफ अली रहमतुल्लाह रिजवान की रिवायात अर्रद्दुल असीर है इमाम उज़ाई की, इमाम अबू यूसुफ इख्तिलाफ अबू हनीफा अबू लैला ये आपको मिलेगी, इमाम अबू यूसुफ की किताबुल असल है अल मबसूत है और जामेउल कबीर है, किताबुल आसार अबू हनीफा बरिवायत इमाम मोहम्मद बिन हसन अश्शैबानी तहकीक व तसीह के बाद आपने इसको शराफ फरमाया। मौजूद सामईन किराम आपने जब ये किताब चली रही थी अभी काम उसी दौरान आखिरी अबवाब तक आपकी तसीह मुकम्मल हुई थी,
कि हजरत अबुल वफा अफगानी अलैहि रहमत और रिजवान की तबीयत मुबारक नासाज हुई, और जुजाजा का दर्स भी किताबुल मनाकिब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा। ताल्लुक देखिए आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का महीने मुबारक है जमादुल आखिर, हजरत अबुल वफा अलैहि रहमा का रजब, उधर मुकम्मल हुआ है बाब मनाकिब अबू बकर सिद्दीक, इधर आपकी अलालत का आगाज और दुनिया से पर्दा फरमाया। ये ताल्लुक और मोहब्बतें हैं। मौजूद सामीन इकराम, आपने अपने दिन के औकात को बिल्कुल एकदम, यानी हम कह लें टाइम मैनेजमेंट आज जो कहा जा रहा है ना, वो उसकी बेहतरीन मिसाल हजरत इमाम अबुल वफा अफगानी अलैहि रहमा की जिंदगी में पाया करते हैं। आपका मामला क्या था? मामूल तहज्जुद में उठते, तहज्जुद का एक पारा पढ़ने का अलग दौर, यानी आज तहज्जुद में पहला पारा पढ़े तो दूसरा पारा, तीसरा पारा, तहज्जुद का दौर सबक अलग। फिर उसके बाद आपका मामूल ये होता, फजर की नमाज अदा होती, फजर की नमाज के बाद फिर उसका दौर तीन पारों का सबक अलग, तीन पारों का दौर होता वो, यानी तहज्जुद की कुरान अलग, फजर के बाद यानी इशराक तक तहज्जुद कुरान करीम पढ़ते हुए रहते। बाबा हजरत अली रहमा फरमाते एक मरतबा हजरत हकीम मोहम्मद हुसैन साहब शेखुल हदीस साबिक शेखुल हदीस अली रहमत व रिजवान जामे निजामिया के पास किसी दावत के जिमन में नाश्ते पर दावत थी, तो बाबा हजरत फरमाते कि हजरत जलाल कूचे से निकल के यहां पहुंचने तक कुरान करीम मुसलसल पढ़ते रहे, किसी से कोई बात नहीं करवाई। ये मामूल ऐसा इस कदर फास्ट जितने हैं उनके लिए भी जरूरी है कि हम अपना मामूल बनाएं, ऐसा ना हो कि हम, मैं खुद भी, मेरा खुद भी ऐसे होता, रमजान करीब आता है तब हम कुरान खोला करते हैं। आप फरमाते हैं कि नहीं, एक अल्लाह ताला ने जो पूछा गया अलग अलग दौर क्यों है, तो फरमाया एक तो सबक वो है जो रेगुलर पढ़ा जा रहा है, बोले और एक पारा, बोले एक पारा मैं इसलिए पढ़ता हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं हर दिन के अल्लाह ने मुझे हाफिज बनाया, बतौर शुक्राना डेली एक पारा पढ़ता हूं मैं। तीन पारे तो दौर के सबक के अलाहदा है, एक पारा हर दिन, एक दिन की बात नहीं हो रही साहब, ये एक दिन हम पढ़ लिए तो बड़ी बात हो जाती है। और वफा जिक्राम माशाल्लाह मामला ऐसा होता है कि सबको हम कहते हैं कि कुरान करीम की तिलावत करें, मगर हम लोग ही रमजान के बाद शव्वाल से लेकर फिर रजब तक हमारा थोड़ा ताल्लुक टूट जाता है कुरान करीम, इल्ला माशाल्लाह उफाज हैं कई ऐसे भी जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो अलहदा है, मगर अपना जो मुस्तकिलन एक दौर चलना है वो दौर नहीं चलता। तो इस चीज पर तवज्जो हजरत, मुझे अच्छा याद है हजरत अल्ताफ हुसैन साहब अली रहमत व रिजवान जब बहुत अलील हो चुके थे पुरानी हवेली कदीम मकान में, आप क्याम पजीर थे, मैं बाबा हजरत के साथ गया, तो बाबा हजरत जब मिलकर वापस आ रहे हैं हम लोग तो हाथ पकड़ा, सैयद साहब सादात इधराइए, बोले हाथ पकड़ करके खींचा, खींच करके फरमाया कि अपने हाथ को पकड़कर सीने पर रखा, रखकर कहने लगे सैयद सादात आप गवाह रहना मेरे दिल में मेरा कुरान महफूज है और महफूज कुरान लेकर अल्लाह के रमजान, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मेरा कुरान महफूज है और जैसा कुरान याद किया है वैसा अपने रब के दरबार में लेकर जा रहा हूं, सारा आप गवाह रहना मेरा कुरान महफूज है। सुनाया करते थे हजरत अल्ताफ हुसैन साहब अली रहमा हाफिज को, एक जैसे ट्यूशन होता है ना वैसा ट्यूशन लगा करके एक शख्स को बुलाते, बुलाकर महीने को पैसा देते और उनको डेली एक एक पारा सुनाया करते। यह है हमारे असलाफ का किरदार। हजरत अबुल वफा अफगानी अली रहमा, फिर उसके बाद जामिया की मसरूफियात, अपनी तहकीक की काम, तदरीस का काम, नमाजें अपने औकात पर हो रही हैं, फिर इशा जैसा ही हो जाती, फरमाते ला कलाम बादल इशा, इशा के बाद कोई बात नहीं, कोई अगर गलती से जाकर दस्तक भी दे देता तो बड़ी डांट पड़ती थी उसको, क्या रातों में रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है तुम ऐसे इसलिए फिरते हो, बातें किया करते, फौरी इशा जल्दी होती, इशा पढ़ते, इशा के फौरी बाद मुत्तसिलन आराम, आपके औराद वज़ाइफ में दलाइल खैरात पाबंदी से हुआ करता, कसीदे बुर्दे की महाफिल खुद सजाया करते, खुद शरीक होते और खुद पढ़ा भी करते थे कसीदे बुर्दा बड़े, और जब भी आका करीम अलैहिस्सलाम का जब तज़किरा होता तो ज़ारो क़तार आंखों से आंसू रवां हो जाते। ये होते हैं आशिक रसूल। अरे इससे बढ़कर इश्क रसूल क्या होगा? हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और दीन की खिदमत के लिए जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सर्फ कर दी, अपनी जिंदगी में निकाह तक नहीं किया, सब कुछ दीन के कुर्बान कर दिया, और सबको यही पता है हजरत अबुल वफा अबुल वफा अबुल वफा, किसी को यह नहीं पता आप सादात हैं, बावजूद सादात होने के सादात किराम का बेपनाह अदब फरमाया करते, उनसे मोहब्बत किया करते, उनसे ताल्लुक का इजहार फरमाया करते, और जब आपका विसाल हुआ आप दुनिया से जब पर्दा फरमाए तो लोगों को तब पता चला कि हजरत अबुल वफा अफगानी अली रहमत व रिजवान भी सादात किराम में से। ये होते हैं सादात किराम। सादात किराम खुद ऐसा नहीं होता, सादात अपना अदब नहीं करवाया करते बल्कि वो खुद दूसरों का अदब भी किया करते।
ये होते हैं हजरत अबुल वफा अफगानी, इल्म के चोटी है, इल्मों के बड़े मकाम पर, और तकवे का आलम ये। हर किसी की दावत में नहीं जाते, जब भी कोई दावत आती तो पता चलता बतलाया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेट करते कि इनका हलाल है या हराम है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उठकर नहीं चले जाते हर एक से। बाबा हजरत फरमाते एक मरतबा हुआ ये कि कोई आए और आकर के वो पहले हजरत मोहम्मद सदकन अली रहमा के पास गए, बहुत बड़े शहर हैदराबाद की बहुत बड़ी हस्ती में हजरत मोहम्मद सदकन अली रहमा करके, और जाकर के उन्होंने कहा हजरत दावत है, चूंकि हजरत का मामला ये था कि सूफी है, हजरत जो है लवाले हैं, किसी का दिल दुखाना मकसूद नहीं हुआ होता। आपने कहा ठीक है, दावत को कबूल कर लिया, ठीक है हो सकता है कि वो जाते या फिर हजरत की नजर कुछ और चीज को देख रही थी, ऐसा नहीं कि हजरत अबुल वफा अफगानी नहीं गए तो हजरत मोहम्मद सदकन गए, इसमें कोई अलग अलग लोग कर दिया करते हैं, अरे भाई वहां गए इनको नहीं पता था। देखिए मसला क्या होता है कि अल्लाह वालों की नजरें कहीं और भी देखती है, ये हो सकता है कि वो दावत जिस पैसे से करने वाले थे हो सकता है कि वो हलाल हो, और उसमें भी फिर कलाम है। ये यहां से हजरत अबुल वफा साहब के पास गए, जाकर कहा हजरत दावत है, कही की बोले ये है, बोले तुम्हारा तुम्हारी कमाई क्या है, तुम कमाते क्या है, हजरत मेरा अखबार चलता है, मैं अखबार का एडिटर हूं, ऐसा ऐसा मुदीर हूं। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे तहकीक करेंगे कि तुम्हारी हलाल कमाई है या नहीं है, उसके बाद दावत कबूल करेंगे, एक दिन दो दिन के बाद आना। दो दिन के बाद जब वो वापस आए, एक दिन के बाद मुदीर है, चीफ एडिटर, एक फेमस हैदराबाद के मशहूर अखबार के एडिटर है, वो आए, और उनका भी अंदाज देखिए, अगर आज के दौर में किसी को छोटे को भी कह दे भाई मैं मालूम कर करके कल बोलता हूं, अरे मोती मुन साहब को दिमाग आ गया है, बहुत चढ़ गया है, छोड़ देते। यानी पहले वाले अदब करने वाले लोग थे, वो आए दोबारा पहुंचे हजरत क्या मामला है, बोले देखो मियां मैं तुम्हारा पूरी तहकीक किया, तुम्हारा अखबार मेरे सामने है, पूरा अखबार पढ़ा मैं, तुम्हारे अखबार में एक फिल्म का एड भी छपा हुआ है, इश्तेहार छपा हुआ है, यानी तुम फिल्म देखना गुनाह है, और गुनाह की तशहीर करना और लोगों को बुराई की तरफ बुलाना ये भी गुनाह है, तो लिहाजा तुम्हारी कमाई हलाल ही है, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, फुकहा इकराम फरमाते हैं कि ठीक है अगर किसी की कमाई में मुख्तलिफ है, यानी दो चीजें मिली हुई है, ये देखा जाता है, अगर किसी की कमाई ज्यादा हलाल है तो उसको हलाल की का फतवा दिया जाता है, ठीक है उसके पास दावत जाना करना हलाल है, ये एक फिकही मसला, ये फतवा है, वो तकवा था। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के जो नेक बंदे उलमा होते हैं वो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार होते हैं, सबसे ज्यादा हलाल हराम की तमीज। चले गए, वो उठकर चले गए, बोले हजरत मोहम्मद सदकन को भी कहा था मैंने, वो भी आने के लिए हां कहे हैं, तो क्या फरमाया, फरमाया कि मैं एक छोटा सा तालाब हूं, दर्जे से छोटा हूं, इसमें थोड़ी भी नापाकी गिर गया है तो पूरा पानी नापाक हो जाता है, वो एक दरिया और समंदर है, उसके अंदर चिड़िया हक भी दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हजरत अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान का मामला। फिर कुछ दिन के बाद वही मुदीर साहब, वही एडिटर साहब फिर दोबारा आए, आकर बोले हजरत दावत, अरे नहीं बोला ना मियां मैं, बोले नहीं हजरत मेरे आम का बाग है फुलां जगह पर, अमराई है, वो अमराई की जो है नई कटवाई हुई है, तो उसकी वजह से जो उजरत आई है उस उजरत के उस पैसों से मैं दावत करना चाहता हूं, दावत कर रहा हूं। तो आपने फरमाया ठीक है, फिर हम तुम्हारे पास दावत में आते। मुअज्जज सामईन किराम, ये है इल्म का, इल्म अपनी चोटी पर, तकवा अपनी चोटी पर। आज अहले इल्म हजरात के लिए भी ये नसीहत, तो हमारे लिए सबके लिए एक नसीहत है, हम इल्म की इल्म वाले आलिम होने का दावा तो करते हैं मगर अपने असलाफ की तरह किरदार भी होना है। क्या है कि तुझे अपने आबा से कोई नस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। इकबाल ने एक तो कहा था ना, तुझे तेरे आबा से कोई नस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार हम बोलने वाले बन गए, वो सरापा किरदार थे, तू साबित तू अपने मकाम पर जमा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है तेरी जिंदगी में, वो सैयारा वो आसमान की बुलंदियों पर चमकने वाले तारे हैं जो सारी दुनिया को फैजियाब फरमा रहे हैं। फैजियाब अपनी जिंदगी ही में नहीं किया बल्कि जिंदगी के बाद भी, आज भी आपका फैजान आम है, जिंदगी में रोशन करता हुआ ये दमकता चमकता चराग तेरा रजबुल मुरज्जब 1395 इस खाकदान आलम से बुझ करके दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो गए हजरत सैयदना अबुल वफा अल अफगानी अलैहि रहमतुर रिजवान। 13 रजबुल मुरज्जब यानी 85 यानी 1310 में विलादत है, 1310 में और 1395 में, तो कमोबेश आपकी
उम्र मुबारक 85 ईयर्स बनती है, 85 ईयर्स की उम्र मुबारक में आप दुनिया से पर्दा फरमाएं। और हजरत अबुल फिदा प्रोफेसर अब्दुल सत्तार खान नक्शबंदी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ने आपकी जनाजे की नमाज अदा फरमाई, चारशंबे का दिन सुबह का वक्त है। और फिर मुहद्दिसे दक्कन अलैहि रहमा ने नक्शबंदी चमन में बिल्कुल आप जाएं तो हजरत मुहद्दिसे दक्कन अलैहि रहमा की बारगाह से कबल मुत्तसिलन एक ऊंचे चबूतरे पर सीधी सादगी, यानी जिंदगी जैसी सीधी थी ना, आज मदार भी वैसी सीधी सादगी। हाँ। आप सुकून जब भी आप जाकर ठहरे एक सुकून, अगर आपको इल्मी कोई काम करना है ना, बाबा का भी यही काम था हमारा भी है, इल्मी काम यानी कोई किताब का आगाज हो रहा है, दर्स का आगाज हो रहा है, कोई इल्मी काम करना है तो पहले जाकर हजरत अबुल वफा अफगानी अलैहि रहमा, फिर दादा पीर मुहद्दिसे दक्कन अलैहि रहमा की बारगाहों में हाजिरी देते, उसके बाद कोई इल्मी काम का आगाज करते। आप करिए, अल्लाह ताला उसमें आसानियां पैदा फरमाता है। कोई किताब आपको समझ में नहीं आ रही है, किताब के कोई उहदे नहीं खिल रहे हैं भाई, कोई आलिम की फाजिल की किताबें समझ में नहीं आ रही है, आप जाकर के दुआ करिए, बानिया जामिया के पास जाकर के आप उहदा रखिए, आपके सारे उहदे खुल जाया करेंगे। यकीनन हमारे जो असलाफ गुजरे हैं उन्होंने बतलाया है कि हकीकत में अल्लाह वाले होते कैसे हैं, इल्म वाले होते कैसे हैं, सिर्फ वो किरदार के नहीं, वो किरदार का गाजी, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। हमें चाहिए कि इन असलाफ के किरदार से कुछ नमूने लेकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हजरत अबुल वफा अफगानी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान के फ़ुयूज़ व बरकात से हम तमाम को मुस्तफीद व मुस्तफ़िज़ फरमा, आपके फैजान को तादेर बारी ताला हम तमाम पर जारी फरमा, और आपके उसवे पर अमल पैरा होने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा, और आपके उर्से शरीफ के मुबारक मौके पर बारी ताला हम तमाम को हजरत के इल्मी व रूहानी फैज से मालामाल फरमा।